समाज में नशा और अपराध इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होते हैं। और आप विचार करिए कि यदि शिक्षा के मंदिर में ही शिक्षा देने वाले शराब के नशे में पहुंचे तो फिर उन्हें कौन शिक्षित कराएगा। समाज को मजबूत बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन वायरल वीडियो शिक्षक की भूमिका व शिक्षा के मंदिर को कलंकित करते हैं। कुछ दिनों पहले रीवा मुख्यालय से एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के बिंदुल ग्राम पंचायत के शासकीय प्राथमिक पाठशाला कमई से वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि टीचर राम प्रताप रावत से एक शख्स उनसे पूछताछ कर रहा है, और स्कूल की एक शिक्षिका ने भी यह बताया कि राम प्रताप रावत ऐसे ही रोज शराब के नशे में आते हैं, क्लास में भी बच्चों को कभी कभी ही पढ़ाते हैं। शख्स ने जब टीचर से पूछा वह दारू पीकर आए तो उन्होंने हामी भरी और कहा कि वह रोज नहीं पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं। जहां एक शिक्षक शराब के नशे में अपनी ईमानदारी बता रहा है कि वह हमेशा नहीं कभी कभी शराब पीता है, जबकि वहां के शिक्षकों ने और बच्चों ने बताया कि वह हमेशा शराब के नशे में ही विद्यालय आते हैं। आप वीडियो में सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब के नशे में शिक्षक अपनी मर्यादा भी भूल गया, यहाँ तक कह डाला कि उसे पढ़ाने के लिए उसको घर लेने गए थे कि स्कूल में शिक्षक बन जाओ। साथ ही शराबी शिक्षक ने ये बताया कि जीवन बिताने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वह ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कभी कभी शराब पी लेते हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य किस तरह से बनेगा आप सोच सकते हैं। सरकार कितना भी कागज में प्रयास कर ले, कितनी भी नई व्यवस्थाएं चला ले, लेकिन धरातल में यदि शिक्षा के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी यदि स्कूलों में भ्रमण नहीं करेंगे तो स्थिति यही रहेगी। छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तक सब घूस के बोझ तले दबे हुए हैं। दिन रात घूस की रकम समेटने में लगे रहते हैं प्राइवेट स्कूलों के मान्यता देने में, जिससे ऐसे शिक्षकों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। आप भी देखिए वह वायरल वीडियो जिसमें शिक्षक किस तरह से बातें कर रहा है। बुलाने गए थे ना? आपको नौकरी करने के लिए बुलाने गए थे? मेरे घर गए थे। क्या बोल रहे थे? चलिए नौकरी करी। ऐसा भी होता है का? नहीं, ऐसा अब सामने है, क्या है, हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना। असलियत कभी ऐसा पूछ लेना। बताइए, आपको नौकरी देने के लिए वहाँ लेने चले गए ना? हाँ नहीं, अहिरवार गया ना, प्रिंसिपल है ना, बिंदु है ना, ये मेरे घर मुझे बुलाने गए थे, कहा गए थे कि चलिए आप नौकरी करिए। आज भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसको भेजिए ना, जाना है। मैं खूब समझता ना, हमें बताने की कोशिश ना करें। डीओ को है ना, डिस्ट्रिक्ट का है ना, आप इस है ना, पूरे जिले का ना, इसका भी आप भी है ना, जीवन तो बिताना है ना। तब का कुछ मान लीजिए तो जीवन ना बिताना है ना। ये तुम्हारी है ना भावनाएं है ना। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।